Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I'm a sexologist working here in Gurgaon, and you know that we speak on the different sex topics, general health and especially nutrition. Today my topic with you is varicocele. This is a very common problem, especially in young generation, especially in youth. So let's know what varicocele is. What is varicocele? To understand varicocele, I will tell you two things. हमारे शरीर के तमाम जितने भी हिस्से हैं, हमारा ब्रेन, आईज, हमारा स्टमक, लीवर, हमारे हाथ, हमारे पैर, इन तमाम ऑर्गन को न्यूट्रिशन, ताकत, पोटेंशियल, ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचता है? आप कहेंगे ब्लड से. यस, ब्लड से. और ब्लड कहाँ दौड़ता है? ब्लड आपकी खून की नलियों में दौड़ता है. आपकी खून की नलियों में ब्लड दौड़ता है. इसी तरह की यही नलियां आपके टेस्टिकल्स में भी जाती हैं, आपके स्क्रॉटम में भी जाती हैं. आपका वो बॉल्स, जहां दो बॉल जिस पाउच के अंदर रखी हैं, उस पाउच को हम स्क्रॉटम बोलते हैं. यही खून की नलियां वहां भी जाती हैं. जब वहां जाने वाली जो खून की नलियां हैं, जिनका नाम पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, वो है पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस. ये जो खून की नलियां हैं, जब कभी इन खून की नलियों में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा हो जाए, यानी कि आपके एक पाइप है, उसको समझिए, उस पाइप के अंदर अगर हम किसी तरह की रुकावट को पैदा कर देते हैं, तो आगे और पीछे ब्लड स्टोर होना शुरू हो जाता है. ये जो ब्लड स्टोर होता है और ये जब रुकावट पैदा होती है, तो जिस एरिए को ये ब्लड जा रहा है, जिस ऑर्गन को, जिस बॉडी पार्ट को ये ब्लड जा रहा है, वहां प्रॉपरली जाना आना रुक जाता है. नतीजा यह होता है कि जिस हिस्से में यह सप्लाई जा रही है, शरीर का वो हिस्सा कमजोर पड़ने लगता है, बेकार होने लगता है. ये जो खून की नदियां हैं, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, ये जो आपके स्क्रॉटम में और आपकी बॉल्स में जाती हैं, इनके वॉल्स में, इनकी दीवारों में, इन खून की नदियों की दीवारों में जब रुकावट पैदा हो जाती है, तो उस रुकावट की वजह से आपके टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई मिलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है. नतीजा वहां कुछ लक्षण पैदा होते हैं, वहां कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं. और वो क्या है, वो सिम्टम जानिए. आम आदमी को वेरिकोसिल का कैसे पता लगता है ये जानिए. डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं, ये एक अलग पहलू है. जानना आपने ये है कि आपको कैसे पता लगे, कहीं आप वेरिकोसिल के पेशेंट तो नहीं है. उसका तरीका आपको, जिस तरह से आपको पता लग सकता है, उसकी कुछ वजह मैं बताता हूं कैसे आपको पता लग सकता है. पहली चीज, आपको अपने स्क्रॉटम में, उस पाउच में, कोई किसी तरह का गुच्छा या गांठ महसूस होने लगे. आपको ऐसा लगे वहां टच करने के बाद कि जैसे कोई चीज फूली फूली और स्पॉन्जी टाइप की है. एक तरीका यह हो सकता है. वहां आपको अक्सर पेन रहने लगे, चलते फिरते, उठते बैठते, भागते दौड़ते पेन होने लगे. आपको पेन होने लगे. या कभी ऐसे भी कि आप बच्चा पैदा करने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा, और आपने अपना स्पर्म काउंट टेस्ट कराया, पता लगा कि आपके शुक्राणुओं में कमी है, वो जीरो है या वो बहुत कम है, तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं मुझे वेरिकोसिल तो नहीं हो गया. इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं. इसके बाद कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, इसको कैसे आगे चला जाता है, वो काम है एक क्वालिफाइड डॉक्टर का, कि वो इसको कैसे समझता है और किस तरह से इसको ट्रीट करता है. आइए उस तरफ चलते हैं. एक डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि आपको वेरिकोसिल है या नहीं, इसके दो तरीके हैं. एक है जनरल एग्जामिनेशन. डॉक्टर अपने हाथों से टेस्ट करता है और आपके उस पाउच के अंदर वो जो वेन्स हैं, वो जो खून की नलियां हैं, उनको टच करके, उनको फील करके, एक स्पेशल तरीके एग्जामिनेशन से वो जान लेता है कि वेरिकोसिल है या नहीं. और उसी बेसिस पे, एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही वो उसके ग्रेड करता है, आपको कौन से ग्रेड का वेरिकोसिल है. फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके काम की चीज नहीं है, तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करके आपके कीमती टाइम को खराब नहीं करेंगे. तो समझिए कि डॉक्टर इसे डिसाइड करता है कौन सा ग्रेड है, कौन सा स्टेज है. यह दूसरा तरीका ये होता है जब डॉक्टर इसको कंफर्म करना चाहता है कि आपके उस पाउच का, स्क्रॉटम का, आपके उन बॉल्स का एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है. वो सिंपल सा अल्ट्रासाउंड फौरन बता देता है कि आपको वेरिकोसिल है या नहीं है, और है तो किस ग्रेड का, किस स्टेज का है. ये सबसे आसान तरीका है, आज टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई है. तो इस तरह से वेरिकोसिल का पता लगता है. वेरिकोसिल के लक्षण जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आपको पता लग जाते हैं, वो कैसे, स्पर्म काउंट का कम होना, शुक्राणुओं का कम होना, या कभी कभी जीरो भी हो जाना. इसी तरह से लगातार पेन का बने रहना.
आपको पेन भी नहीं होता तो एक किस्म की इरिटेशन और हैवीनेस फील हो सकती है। सेक्स के बाद डिस्चार्ज के टाइम पे पेन होना, और कभी कभी डिस्चार्ज के अंत के बाद आपके उस पूरे एरिया में एक किस्म की बर्निंग सेंसेशन और जलन का होना, कभी कोई वजन उठाते हुए या वजन को धकेलते हुए या किसी वजन को भारी चीज को अपनी तरफ खींचते हुए उस जगह पे हैवीनेस या पेन का फील होना, इस तरह के कुछ लक्षण और सिम्टम्स आपको आ सकते हैं वेरिकोसील के अंदर। यस, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। आइए अब चलते हैं वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए, यहां मैं इस ट्रीटमेंट कुछ बताने से पहले एक बात बताऊंगा। वेरिकोसील में डॉक्टर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी कि डॉक्टर्स की दो ओपिनियन है इस बारे में। एक लॉबी ये कहती है, डॉक्टर्स का एक ग्रुप ये कहता है कि वेरिकोसील सिर्फ ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, और एक लॉबी कहती है नहीं, ऑपरेशन के अलावा भी इलाज से ये ठीक किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जैसे कि हर जगह राय का इख्तलाफ हो सकता है, आपस में डॉक्टर्स की राय अलग-अलग हो सकती है। तकरीबन तकरीबन हर बड़ी बीमारी के बारे में ये इख्तलाफ होता है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। यहां भी ऐसा ही है, खासकर वो डॉक्टर जो यूनानी आयुर्वेदिक फिजिशियन है, होम्योपैथिक फिजिशियन है, वो अजर्ट करते हैं कि इस बीमारी को, वेरिकोसील के किसी भी स्टेज को मेडिकली हम अपने लेवल पर आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा है, यूनानी पैथी ने, आयुर्वेदिक पैथी ने इसमें बहुत तरक्की की है, और इसको ट्रीट करने में कुछ बहुत कारगर नुस्खे और कारगर चीजें सामने रखी हैं कि जो पेशेंट पे दी जाती हैं और उसके साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल सही सही टेक्निक के साथ, तो सुपर रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास खुद मौजूद हैं इस तरह के टेस्टिमोनियल्स। तो दो लॉबी हैं, ना वो लोग गलत हैं ना ये लोग गलत हैं, तो आप इस चक्कर में ना फंसे कि हमने तो ये सुना था कि इसका इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन ही है। किसी ने कहा जी इसका इलाज तो सिर्फ दवाइयां ही है, ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। नहीं, ये बात कि सही आपके लिए क्या है, बेस्ट आपके लिए क्या है, ये आपका क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको बता सकता है। ऑपरेशन हम हमेशा का मैं स्पेशली हमेशा एक बात कहा करता हूं कि ऑपरेशन को, खासकर इस तरह की बीमारियों के ऑपरेशन को, हमें आखिरी ऑप्शन मानना चाहिए। यानी कि जब हमारी सेफ मेडिकेशन, यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करने के बाद, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में कुछ वक्त ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तब हम इसे ऑपरेशन की तरफ लेके जाएं तो बेहतर होगा। उससे पहले पहले ही ऑप्शन में ऑपरेशन की तरफ जाना या इसको कर थेरेपी की तरफ लेके जाना, वो ठीक नहीं, मेरे व्यू में ठीक नहीं। जी हाँ, अच्छा एक और प्रॉब्लम है ऑपरेशन के साथ, एक प्रॉब्लम और होती है कि ऑपरेशन के बाद हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि यह बीमारी परमानेंट खत्म हो गई। वो समझिए, बेसिकली ये वेन्स के अंदर की प्रॉब्लम है, ये दोबारा जनरेट हो जाती है ऑपरेशन के बाद। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि ऑपरेशन के बाद परमानेंट डैमेज हो जाता है, यानी कि आपका शुक्राणु बनने की जो क्वालिटी है, जो उसका तरीका है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो परमानेंट भी खराब हो सकती है। ऐसे भी केसेस और इस तरह के कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं, तो इसको समझ के चलिएगा। तो हमें इस बात में नहीं उलझना है कि डॉक्टर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है, हमें यह समझना है कि इसको हमें किस तरह से आगे लेके जाना है कि परमानेंटली आपको इस मुसीबत से और इस बीमारी से निजात मिल जाए। आइए ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। जैसे मैं शुरू में कहा कि ट्रीटमेंट को समझना जरूरी है, और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यह बात कहा करता हूं आप लोगों को बताने के लिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए हैं। याद रखिए, हर बीमारी घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं हो सकती। मेरा मकसद कभी भी आपको ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव बातें बोल बोल कर ये बताना नहीं होता कि आप घर पे कुछ भी अपने लिए ट्राई करना शुरू कर दें, अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी ट्राई करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम एक जब हम अपने लिए कोई शर्ट लेने चलते हैं, अपने लिए कोई कोई चीज परचेज करने चलते हैं, तो हम चार पांच जगह घूमते हैं, भटकते हैं कि अच्छे से अच्छा कैसे मिल सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी मेंटली अपने शरीर के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में कुछ कमजोर और खराब महसूस होती है। हम तलाश कर रहे होते हैं YouTube पर और डिफरेंट आर्टिकल्स में या इंटरनेट पर जाके कि कोई घरेलू इलाज मिल जाए। हर बीमारी का घरेलू इलाज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बल्कि यह भी मुमकिन है कि आप अपनी मुसीबत को और अपनी बीमारी को और बढ़ा लें, बल्कि यहां तक बढ़ा लें कि अब उसका दूसरा इलाज भी मुमकिन ना हो। तो हर चीज में होम रेमेडीज के चक्कर में ना पड़ा जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इसलिए कि वो आपकी मदद कर सके। आइए इसके इलाज की तरफ चलते हैं।
इसके इलाज में जो एक प्रॉपर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है यूनानी आयुर्वेद में, वो तो यहां नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, केस स्पेसिफिक होता है, पेशेंट स्पेसिफिक होता है, और एक लंबा पैटर्न है मेडिसिन का और कुछ थेरेपीज का, विच आर टू बी डन टू क्योर यू परमानेंटली। यहां इस वीडियो में मैं आपको कुछ जनरल पैरामीटर्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिकोसील को मैनेज करने के लिए भी और इसको रिवर्स करने के लिए भी। वो क्या है आइए समझते हैं। जिस तरह हर बीमारी में मैं कहा करता हूं, मैं जोर दिया करता हूं, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा हो, पीछे से सुनते आ रहे हो, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल पर बहुत जोर देता हूं। देर आर लेस नंबर ऑफ द डॉक्टर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। आई स्पेशली फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। देखिए, दवा देना तो सब जानते हैं, दवा देना तो आसान है, पर कितना मजा आए कि बीमारी को होने से पहले रोक लिया जाए। बीमारी का इलाज तो हम करेंगे ही, लेकिन कितना अच्छा हो कि शरीर में बीमारी आए ना। और उसका बेस्ट हल यह है कि हम अपने लाइफ स्टाइल पे गहरी नजर रखें। आपके मुंह में जो उतरता है डिसाइड करता है आने वाला कल आपका। वेरिकोसील जैसी बीमारियों में जहां खून की नलियां इन्वॉल्व होती हैं, या लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। आइए शुरू करता हूं। पहली चीज, नंबर वन, अपने पेट का ख्याल रखिए। आपके पेट में कब्ज होना, बहुत ज्यादा गैस का बनते रहना, अनाप शनाप खाते रहना, यह वेरिकोसील को बढ़ा देता है। वजन का ज्यादा होना, लिंग के आसपास, पेट के आसपास ज्यादा चर्बी का होना। देखिए, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके पेट बाहर बेल्ट के लटके रहते हैं, मोटे मोटे पेट होते हैं, और उनके पेनिस के आसपास भी और उनके ग्रोइन के आसपास भी बहुत फैट होती है। इस तरह का फैट इकट्ठा होता है किन चीजों से? एक्सरसाइज ना करने से, गंदे खान पान से, सिगरेट शराब तंबाकू से। इस तरह की चर्बी इकट्ठी होती है, खून की नलियां सुकड़ने लगती हैं। बिलीव मी, मैं आपको कैसे बताऊं, एक सिगरेट जो हम दिन में पीते हैं, वो एक सिगरेट भी आपकी खून की नलियों को सड़ा देती है। वो आर्टिफिशियल जंक फूड जो आप खा रहे हो, आपके खून की नलियों के अंदर की तमाम ताकत को चूसना शुरू कर देती है, आपको पता भी नहीं लगता। थोड़ी देर के मजे के लिए आप अपने जिस्म की बिल्कुल हालत खराब कर देते हैं। तो वेरिकोसील में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना खाएं। शॉर्ट में बता देता हूं, कभी फिर डिटेल इस पर डिटेल वीडियो करेंगे कि वो स्पेशल खाना क्या हो सकता है, या वो अच्छा खाना हम किसे कहते हैं। यहां मैं शॉर्ट में बताता हूं, कच्ची सब्जियां, तरकारियां, फ्रूट्स, घर के खाने, सादी रोटी, सादी सब्जी, सादे चावल, इस तरह की डाइट का यूज इसके अंदर बहुत जरूरी है। ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना करके अपने स्क्रॉटम पे मसाज करें दिन में एक बार, या अल्टरनेटिवली ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को हल्का सा गुनगुना करके इसमें मामूली सा सेंधा नमक डाल के इसकी मसाज कीजिए। कैसे मसाज करना है, मान लीजिए ये आपका स्क्रॉटम है, ये दो फिंगर लेनी है, ऑयल के अंदर डुबोनी है और ऐसे मसाज, ये इसका ये पैटर्न मसाज करनी है, इतनी मसाज कि आपको वहां पेन ना हो, खिंचाव ना हो, और आपको वो ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाए। ये वहां के सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, जी ये वहां के सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। तो क्या समझे आप, अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज। कैसी एक्सरसाइज? हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं, ब्रिस्क वॉक, कुछ योगिक एक्सरसाइजेस, कुछ योगिक पॉस्चर्स। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आयुर्वेदिक यूनानी फिजिशियन से मिलिए, वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे आपको किस चीज से फायदा होगा, कौन से सेक्सुअल पॉस्चर्स होंगे जो अगर सेक्स के टाइम में आप यूज करें, वो कौन से पॉस्चर्स हैं जो वेरिकोसील को भी फायदा पहुंचाते हैं और सेक्स में भी मजा देते हैं, वो कौन से योगिक पॉस्चर हो सकते हैं कि जो आने वाले वक्त में आपके इरेक्शन के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं, वेरिकोसील को भी ठीक करते हैं, क्योंकि कहीं ये इंटरलिंक चीजें हैं। इसको समझने के लिए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं, अभी आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं मजबूरी में फंसे हुए हैं, डॉक्टर के पास जाने का अभी तक मौका नहीं मिल रहा, हालांकि आपकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, फिर भी तब तक मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता देता हूं कि जो आप यूज कर सकते हैं। ये वो लोग यूज करें, ये नुस्खा, ये घर की वो चीज वो लोग यूज करें कि जिनको कोई दूसरी एक्टिव बीमारी मौजूद नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके शरीर में दो चार और दूसरी बीमारियां हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, या शुगर आपकी बहुत खराब है, आप किडनी लीवर के पेशेंट हैं,
या आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं तो ये यूज ना करें। लेकिन हर हेल्दी लड़का 18 साल से लेकर 80 साल तक का आदमी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब तक कि आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल रहे। तीन चीजें हैं उसे समझ लीजिए जो आपने लेनी है। आधा चम्मच कलौंजी लेनी है, आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और आधा चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। देखिए मैं कितनी आसान जबान में बता रहा हूं। देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच यू नीड टू बी गैदर। वन थिंग, अलसी के बीज आधा चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच। इन तीनों चीजों को आप मिक्स कर लीजिए, हल्का सा इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं हवन दस्ते के अंदर या सिल के ऊपर भी आप इसे इन तीनों चीजों को पीस के इनका पेस्ट बना लीजिए और ऑर्गेनिक नेचुरल 1 टीस्पून हनी के साथ इसको मिक्स कीजिए। रात को सोते वक्त या सुबह सवेरे खाली पेट, रात को बिल्कुल सोते वक्त जब आप डिनर करे हुए 3 घंटे आपको गुजर चुके हों, ठीक है, रात को सोते वक्त या सुबह बिल्कुल खाली पेट इस पेस्ट को आपने चाटना है। पानी या किसी चीज का निगलना नहीं है, चाटना है। टेस्ट थोड़ा सा खराब लगे उसे बर्दाश्त कीजिए, लेकिन इसको आपने चाटना है, आहिस्ता 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 आपने इसको चाटना है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी वेरिकोसिल में जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि मैंने एक ओवरव्यू वेरिकोसिल का आपको दे दिया है, तो घबराने की जरूरत हरगिज नहीं है। बहुत सारे केसेस में दवाइयों से, यूनानिक आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है। आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू वेरी मच।